पूरे विश्व में कोहराम मचा चुका कोरोना संक्रमण से गोरखपुर जनपद भी अछूता नहीं रहा है। जिले के जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेन, अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी कोरोना संक्रमण के प्रभाव में आ चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों और मेडिसिन तथा योगा के माध्यम से कोरोना का जंग जीत कर अब अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, जो आम लोगों के लिए एक नज़ीर साबित हो रहा है। गौरतलब है कि कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को क्षेत्र में जाना पड़ता था। काफ़ी एहतियात बरतने के बावजूद कुछ भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कहीं से कोरोना संक्रमित के संपर्क में हो ही जाता है, जिससे थोड़ा सा लक्षण दिखने पर इन लोगों ने अपना कोरोना टेस्ट कराया और पॉजिटिव आने पर खुद को होम आइसोलेट कर लिया और चिकित्सीय सलाह से स्वस्थ होकर जनता की सेवा करने लगे। कोरोना का जंग जीत चुके जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडे ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोरोना काल के दौरान की बातों को साझा करते हुए कहा कि कोरोना से मेरे साथ मेरी पत्नी और बेटी भी पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन हम लोग घबराए नहीं, उपचार किए, योगा किया और स्वस्थ हो गए। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण नज़र आता है तो उससे भागे नहीं, जांच कराएं और सही समय पर सही इलाज कराएं, जिससे उनकी ज़िंदगी सही सलामत रहे। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को फातिमा अस्पताल में भर्ती कराया और सही इलाज के बाद आज वे जनता की सेवा कर रहे हैं। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वे खुद को होम आइसोलेट कर लिए और उचित चिकित्सीय उपचार के बाद जनता की सेवा में जुट गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने कहा, मैं राजेश कुमार सिंह हूं, एडीएम फाइनेंस हूं गोरखपुर में, और कोविड काल के समय मेरे पास का दायित्व था, इसके अतिरिक्त भी आपदा का मैं जिला स्तरीय अधिकारी हूं, तो मेरे पास ऐसे ढेर सारे दायित्व थे जिनमें आम जनता हमारे पास तक आती थी। यद्यपि मैं लगातार मास्क लगाता था और पूरी सावधानी बरतता था, फिर भी 25 जुलाई को मैं पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव होने के बाद मैं फातिमा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था और 4 अगस्त को मैं निगेटिव होकर के बाहर आया। मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी कोई इलाज नहीं है, और जब तक इसका इलाज नहीं तब तक आपको पूरी सावधानी बरतनी है, और सावधानी में जैसा कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हर प्रकार का जो आप स्वयं व्यायाम योगा जो कुछ आप कर सकते हो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी आप कर सकते हो वे अवश्य करें, क्योंकि इसका कोई अभी सर्तिया इलाज नहीं है। यद्यपि हमारे जनपद में सफिशियंट फैसिलिटी है, मेडिकल कॉलेज में अब काफ़ी ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। आपके लिए मेरा सुझाव यही है, पहली बात तो ये है कि आप पूरी तरह से सावधानी बरतें जिससे आप कोविड पॉजिटिव ना हो, लेकिन यदि आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से गुरेज ना करें। यदि आप ये प्रतीक्षा करते हैं कि साहब जब मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तब मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, तो संभवतः विलम्ब हो जाए। यदि आप 40 साल के ऊपर के हैं और अन्य कोई भी बीमारी आपको है और आप यदि कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो तत्काल हमारे लिए एम्बुलेंस सेवा आपके लिए फ्री है, डॉक्टर्स फ्री हैं, मेडिकल कॉलेज में पूरी सुविधा पूरी फ्री है, आप तुरंत मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो जाएं और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सतर्कता बनाए रखें, ज़रूरी भी है, 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, ये जो नारा चल रहा है इसका पूर्णतः पालन किया जाना जरूरी है। सुरक्षा ही इसका बचाव है जब तक कि कोई दवाई नहीं आती, ये दवाई जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, सबसे पहले तो सुरक्षा ही इसका बचाव है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है, किसी के संपर्क में आ जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही बेसिक प्रोटोकॉल है। सबसे पहले अपना टेस्ट कराएं, तुरंत जांच करा के ये निर्धारित करें कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं। अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो खुद को आइसोलेट कर लें। आइसोलेट के बाद अब क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पहले की तुलना में बहुत अच्छा हो गया है, 7-8 दिन में ही आप नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि जब मुझे हल्का सा सिम्टम आया था, थोड़ा सा फीवर हुआ, तुरंत मैंने जाँच कराई अपनी और जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो अपने को आइसोलेट कर लिया। इसका फ़ायदा ये हुआ
कि मेरे संपर्क में आए सभी लोग नेगेटिव थे, क्योंकि मैंने तुरंत अपने को आइसोलेट कर लिया और 7 से 8 दिन में मैं नेगेटिव हो गया। तो जो 7 से 8 दिन का सफ़र था, जो जब मैं आइसोलेट रहा, तो उसमें काफ़ी चीज़ें देखी हमने कैसे कैसे, क्योंकि ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम रहता है, दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने योग करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, तो उससे भी चीज़ों को उभरने में काफ़ी आसानी मिलती है। अब ऐसे में क्योंकि हमने कोविड में हम इतना, मतलब जिला प्रशासन इतना गहनता से लगा हुआ था, प्रत्येक कार्य को अपना सही रूप से अंजाम दे रहे थे, उस बीच में पॉजिटिव होकर वापस से फील्ड में आना, तुरंत हमारी एनर्जी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए एक एक जान बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी कोशिश रहती है कि गोरखपुर में एटलीस्ट किसी को भी इसकी वजह से जान गंवानी ना पड़े। बड़ा दुख होता है कि अगर किसी की मृत्यु कोविड के कारण होती है, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी सुरक्षा मानक हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सभी प्रकार की गतिविधियाँ संचालित की जाएँ। अभी जैसे त्यौहार हुआ, तो त्यौहार में भी हमारा मुख्य ध्यान ये रहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत त्यौहार मनाएं। अभी भी छठ है, आने वाली है, उसमें भी हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे लोगों से कि जान है तो जहान है, तो पहले जान की सुरक्षा करनी है। हमें कोविड प्रोटोकॉल के तहत अपने त्यौहार मनाने हैं। कोविड अभी भी है, अभी भी हम ऐसा नहीं है कि कोविड ख़त्म हो गया है। जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक कोई प्रभावी दवाई नहीं आती, तब तक जितने भी सुरक्षा मानक हैं उनका इस्तेमाल करें, उपयोग करें, सुरक्षा ही बचाव है। अगर बाई चांस किसी को हो भी जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहकर अपने को आइसोलेट कर लें, दवाई ले लें, सही हो जाएंगी। कुछ किसी को अगर रेस्पिरेटरी दिक्कत आती है, तुरंत फैसिलिटी में एडमिट हो जाएं, हमारी बहुत सारी फैसिलिटी चल भी रही हैं, जल्दी आप स्वस्थ होकर बाहर आ जाएंगे। बस अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखें, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, फीवर वीवर आता है, वो तुरंत चला जाता है अगर आपने सही मानक सही तरीके का इंस्पीट किया। DM सर को भी हुआ, हमको भी हुआ, बहुत सारे लोगों को हुआ, लेकिन वापस पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव होने के बाद वापस आए, वापस फिर उसी एनर्जी से हम जुट गए हैं। तो ये बात साबित करता है कि ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सुरक्षा ज़रूरी है, बचाव ज़रूरी है, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। यकीनन इस जंग को जीतने में सभी का योगदान है, आप भी योगदान दें, हमारा योगदान सभी के लिए। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी गोरखपुर विजेंद्र पांडियन बोल रहा हूँ। देखिए, ये कोविड वॉरियर के रूप से हम लोग भी काम किए, आप जानते हैं जिलाधिकारी का दायित्व ज़्यादा है। लगातार 7-8 महीने लड़ाई के बाद ये बीच में हम लोग का भी कहीं ना कहीं कोविड का इन्फेक्शन हो ही जाता है। जैसे हमें भी 1-1.5 महीने पहले इन्फेक्शन हुआ है और किसी न किसी जरिए से हमें हुआ है। पहले जो मुझे ही हुआ था, उसके बाद जाने अनजाने में तो फिर घर वाले के भी हो गया, मेरे 2 बच्चे थे उनको भी हो गए थे इन्फेक्शन, और मेरा वाइफ भी हो गई थी। और हम लोग शुरुआत में थोड़ा परेशानी थी। देखिए, लक्षण अलग दिख जाता है कोविड का, ताकि हमारा तो सिम्टोमेटिक था, यानी किसी दिन इन्फेक्शन हुआ था उसी दिन हमारा टेम्परेचर 110 के आसपास पहुंच गई थी, ज़्यादा बुखार था। फिर अगले दिन तब मुझे लग रहा था लक्षण है कोरोना जैसे, फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब को बुला करके, यहाँ तक गोरखपुर मेडिकल टीम ने आकर के हमें चेक किया, तब मुझे और मेरा बेटी, छोटी बेटी आई थी, वो 5 साल की थी, उनको दोनों लोग का कोविड हुआ है, और उसके बाद हम लोग आइसोलेशन में चले गए थे। और उसी दिन ही जो यहाँ का मेडिकल टीम, गोरखपुर का मेडिकल टीम आकर के हमारा ब्लड टेस्ट लिए थे, और ब्लड टेस्ट और बाकी पैरामीटर चेक किए थे। फिर पहला दिन ही हम लोग जो दवाएं हैं डॉक्टर ने दिए हैं उसको शुरुआत किए हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन लिए थे और बाकी जो विटामिन सी, जिंक है, जो बुखार भी था इसलिए तो पैरासीटामॉल भी लिए थे, और उसके अलावा बाकी जो आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो प्रिस्क्रिप्ड कुछ दवाएँ थे तो आयुष विभाग ने भी हमें दिए हैं, उसी से हम लोग शुरुआत किए थे। शुरुआत का एक सप्ताह थोड़ा दिक्कत थी, ताकि टेम्परेचर ज़्यादा था और थकावट भी थी। फिर हम लोग 7वें दिन स्कैनिंग किए थे, एक बार CT स्कैन किए थे, उस पर पैचेस दिख रहा था, उसके बाद डॉक्टर ने और कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब की हमें, वो भी लिया था हमने, और लगातार ब्लड टेस्ट किए थे, हर तीसरा दिन ब्लड टेस्ट किए थे, ताकि हमारा 2-3 पैरामीटर खासतौर पर लिए थे, एक CRP पैरामीटर लिए थे शुरुआत में, फिर IL-6 और D-dimer ये लिए थे, उसके अलावा बाकी जो KFT, LFT पूरा जांच एक बार किए थे, ताकि किस किस पैरामीटर में हमें काम करनी होती है उसी के हिसाब से दवाई हमें दी है। और हमने 12वें दिन फिर जांच करके देखा था कोरोना है कि नहीं, तब भी कोरोना था, हटी नहीं थी। उसके बाद फिर डॉक्टर से हमने अप्रोच किए हैं, फिर डॉक्टर ने फिर दोबारा स्कैन करने के लिए बताया, दोबारा स्कैन भी हुआ था। उसके बाद डॉक्टर ने हमें स्टीरॉयड कुछ प्रिस्क्राइब किए, मेटोप्रेडाजोन एक दवाई है वो लिए थे हमने 5 दिन के लिए, उसके बाद एकोस्प्रिन है वो भी लिए थे,
वो लेने के बाद फिर मेरा जो भी है पहले से काफ़ी अच्छा हो गया था। उसके बाद हमने 2-3 दिन के बाद फिर चेक किए थे और कोरोना मुक्त हो गया। 15वां दिन हमने चेक किए थे, हम और सभी परिवार लोग फिर नेगेटिव हो गए, हम लोग फिर कोरोना से मुक्त हो गए। बट कोरोना के बाद भी थोड़ा थकावट रहा है, लगभग 1 महीने थकावट रही है धीरे धीरे। फिर स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए वैसे प्राणायाम और अभ्यास जो भी है वो किए थे, ताकि वो जो खासतौर पे जो लंग का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, लंग्स का एक्सपैंड कराने के लिए, मजबूत कराने के लिए जो एक्सरसाइज है वो किए थे, और मामूली एक्सरसाइज भी धीरे धीरे शुरू किए। अभी मैं नॉर्मल होकर के फिर दोबारा लड़ने के लिए आ गया हूँ। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ, देखिए ये छुपाने वाली बीमारी नहीं है, किसी के भी हो सकता है इन्फेक्शन, बट उसके कितने जल्दी से जल्दी आप इलाज उपचार शुरू करेंगे उतने जल्दी आप रिकवर होकर आ जाएंगे, ये घबरने की बात नहीं। खासतौर पर जो बुज़ुर्ग है पहले से जो किसी परेशानी से बीमारी से पीड़ित है, उन लोग का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, इसी बीमारी का ज़रूर नज़रअंदाज करिएगा। और हम इन्फेक्ट होते तो हमारा परिवार वाले सब लोग इन्फेक्ट होते हैं, और जाने अनजाने में हम लोग फैलाते रहते हैं गलती से, और किसी का जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना है। इस समय में सिम्टम दिखता है और तुरंत उसको चेक करा दीजिए, संकोच मत करिए, एंड उपचार बहुत अच्छा है। जैसे गोरखपुर प्रशासन यहाँ हमें जो कितने उपचार किए हैं उसी से हम लोग जल्दी से जल्दी वापस आ गए, हमारा परिवार सभी लोग नॉर्मल ज़िंदगी पे वापस आ गए, और बहुत लोग रिकवर भी हो गए। गोरखपुर में तकरीबन 20,000 लोग कोरोना से इन्फेक्ट होकर के रिकवर हो गए, और कितने जल्दी आप पहचानेंगे, कितने जल्दी उपचार शुरू करेंगे, उतने जल्दी आप ये बीमारी से बाहर आ जाएंगे। और बाकी आपके लिए शुभकामनाएं, और ये मिलके लड़ेंगे, ज़रूर किसी दिन हम कोरोना के खिलाफ जीतेंगे।